तो हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज हैं हम जलंधर के देवी तलाई मंदिर में। ये मंदिर काफ़ी जो है पॉपुलर है। देवी तलाई की हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी है, आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे हर एक दिन जो ऐसी भीड़ रहती है, मेला वगैरह भी होता है यहाँ पे। तो चलते हैं आगे। तो यह है मंदिर देवी तलाई का। हिस्ट्री पूछते हैं किसी से। बहुत काफ़ी बड़ा मंदिर अंदर से ये। यहाँ पे तालाब बना हुआ है। यह है मंदिर जलंधर में देवी तलाई। काफ़ी मशहूर मंदिर है जलंधर का। ये एंट्रेंस, ये तालाब। तो पानी जो यहाँ पे वो ट्यूब वेल का है, जो नीचे से निकलता है जमीन से, वो पानी जो है यहाँ पे इकट्ठा किया है। देवी तलाई के रुमाल तले नहीं। तो ये रही मंदिर की जो स्टोरी है, हिस्ट्री जो भी है आपके सामने। ये और साथ में है ये। काफ़ी हिस्टोरिकल मंदिर है ये, पुराना। तो आप इसकी हिस्ट्री यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ आगे का दृश्य मंदिर का। तो यह गाइज आपका देवी तलाई मंदिर जलंधर। मैं जलंधर किसी काम से आया था, तो मैंने किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक मंदिर है बड़ा अच्छा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो भीड़ होती है, मेले वगैरह लगते हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर है ये, और यहाँ पे तलाई भी बनी हुई है नीचे। मछलियों को खाना खाना ही है, छलांग मार के। तो मंदिर के अंदर जो अलग अलग सभी देवी देवताओं के मंदिर जो सेपरेट बने हुए हैं, ये देखिए, ये है आप बड़ी माता का मंदिर। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वो भीड़ है। ये कुछ यहाँ से नज़ारा। ये है मंदिर श्री बाबा हेमगिरी जी। सभी मंदिर है यहाँ पे। इसके अलावा मंदिर के अंदर जो वो आर्टिफिशियल वैष्णो देवी की गुफा बनाई हुई है, और देखने में इतनी रियल लगती है कि आपको पता नहीं लगेगा ये आर्टिफिशियल है। इसको ऐसे तरीके से बनाया हुआ है जैसे ओरिजिनल होते हैं। वैष्णो देवी में पत्थर की गुफा है,
वैसे इसको बनाया है। अभी हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको उस गुफा को। और देखो ये वाली जो गुफा है सामने दिख रही है, अभी यहाँ एंटर करेंगे हम। और ये वाली जो मेन देखने वाली है यहाँ पे चीज, ये हम एंटर करके, शेर का मुंह बना हुआ है बहुत बड़ा, इसके अंदर से हम जाएंगे। ये चले गए तो हम गुफा के अंदर। ऐसे कुछ बनी हुई है ये गुफा, देखो जरा कितने अच्छे तरीके से बनाई है। अंदर बिल्कुल अंधेरा है। ओए आगे कहाँ से रास्ता, इधर से है क्या? आ जाओ हमारे उधर एक टेंपल है आशापुरी, वहाँ पे भी ऐसी गुफा बनी हुई है अंदर, और दूसरी साइड जहाँ से निकलता है रास्ता भी दिखाई मैंने। ये थी वैष्णो देवी की गुफा, और अभी जो हम जा रहे हैं वो है श्री अमरनाथ गुफा का द्वार। ये अलग से बनाया हुआ है, बिल्कुल सेम पोजीशन में जैसे ओरिजिनल अमरनाथ है वैसे। ये देखिए यहाँ से रास्ता, और ये देखो ये है कुछ ऐसा अमरनाथ का नज़ारा। पंजाब में भी आप अमरनाथ घूम सकते हो किसी भी मौसम में। इस तरीके से बनाई है ये गुफा, और ये देखिए शेर। ये गुफा जो है वो ये वैसे बनाई हुई जैसे अमरनाथ में, पूरी लोकेशन बिल्कुल वैसी है। तो ये पहुंच गए हम अमरनाथ जी की गुफा में, जिसको बिल्कुल सेम बनाया हुआ है। ये देखो, और ये है पीछे मंदिर आपका। ये कुछ ऐसा नज़ारा, ये एग्जिट है अमरनाथ जी की गुफा का बनाया हुआ, जहाँ से हम बाहर हो रहे हैं माथा टेकने के बाद। बाहर आ गए हम। ये जो वैष्णो देवी की गुफा हमने अंदर से दिखाई आपको, ये उसका बाहर से है कुछ ऐसा दृश्य। ये देखो मंदिर, ये है पार्क बाहर बैठने के लिए। तो ये था हमारा कुछ ऐसा ब्लॉग देवी तलाई जलंधर का पंजाब में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।